आज ये तो सबसे पहले एलिगेशन के बारे में जानते हैं। क्या लगता है एलिगेशन कैसा टॉपिक है आपका, ये बताइए। मतलब एलिगेशन का नाम शायद ही किसी किताब में आपने देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर किताब में एलिगेशन नाम से कोई चैप्टर दिया गया हो। बहुत ऐसे कम वीडियोस भी आपको एलिगेशन पर मिलते हैं, और जो मिलते भी हैं उसमें कंप्लीट टाइम एक ही वीडियो में बताना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा मास्टरपीस बच्चों को देते हैं जिसमें वो एलिगेशन के कंसेप्ट को समझ पाए, सीख पाए और दूसरों को सिखा भी पाए आवश्यकता पड़े तो। तो सबसे पहले आज आप ये बात जानिए एलिगेशन है क्या। एलिगेशन कोई एक चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके माध्यम से आप अरिथमेटिक के अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग यहाँ पर चैप्टर्स को डील कर रहे होते हैं, उनके सवालों को बना रहे होते हैं। अरिथमेटिक में लगभग हर चैप्टर परसेंटेज से लेकर मिक्सचर तक के सवालों को आप एलिगेशन के कंसेप्ट से बना सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। दो चार बातें हैं, चंद बातें हैं जो आपको सीखनी है, और अगर वो जान तो एक एलिगेशन में आप महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि एलिगेशन क्या है। तो एलिगेशन एक ऐसा अप्रोच है जो सवालों को सॉल्व करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एलिगेशन के सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं, तो मेरे भाई देखो यहां पर एलिगेशन को हम अलग अलग चैप्टर में लगाते हैं। सबसे पहला चैप्टर ही हमारा क्या हो गया, तो सबसे पहला चैप्टर ही हमारा परसेंटेज हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, प्रतिशत। बिल्कुल, जब बच्चा एकदम शुरुआत करता है गणित पढ़ना तो यहीं से करता है परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरा बात करते हैं यहां पर, तो हमारा लाभ और हानि, जैसे जीवन में लाभ भी है और हानि भी है, उसी तरीके से गणित में भी लाभ और हानि है, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर एलिगेशन कहां लगा सकते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट में या कंपाउंड इंटरेस्ट में एलिगेशन लग सकता है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग सकता है यहां पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बाद अगर हम बात करते हैं तो मिक्सचर में हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एवरेज में लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और भी कई ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स है जहां पर एलिगेशन का सीधा सीधा रोल हो जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। एडवांस के टॉपिक में एलिगेशन नहीं लगता, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपको एवरेज के सवालों से बताना कि एवरेज के सवालों में जो है आप एलिगेशन को किस तरीके से लगा पाओगे। आज ये चलिए, तो एलिगेशन में यहां हम शुरू कर रहे हैं। अब एलिगेशन में यहां पर कैसे अप्लाई करते हैं, एलिगेशन क्या है कैसे है? तो देखो, जो भी चीज यहां पर दो क्वांटिटी से मिलकर बनी हो ना, वहां मेरे भाई एलिगेशन लगता है। जैसे ऐसे समझ लो यहां पर कि मुझे शरबत बनाना है। शरबत बनाने के लिए मुझे किस चीज की आवश्यकता है, तो थोड़ा सा दूध चाहिए और थोड़ा सा पानी चाहिए, चीनी को अगर हम हटा दे तो सिर्फ। यानी यहां पर यह शरबत जो बना है वो दो क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है। आप ऐसे देख लो, जो दूध वाला आपके घर पर दूध पहुंचाने आता है, क्या वो कंप्लीट दूध दे पाता है? बिल्कुल भी नहीं, उसमें मिलावट होती है। तो अगर हम बात करें कि हमने 3 लीटर दूध लेकर 2 लीटर पानी लेकर कोई मिक्सचर तैयार कर दिया, तो वहां पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, एलिगेशन। जैसे आप ऐसे समझ लो, आप जिस क्लास में पढ़ते हो, आप जिस क्लास में वहां पर पढ़ रहे हो, तो आपकी क्लास में लड़कियां भी हैं, आपके क्लास में मेरे भाई लड़के भी हैं। ठीक है, मैंने ऐसे कह दिया कि जैसे मान लो लड़कियों का औसत एक्स है और लड़कों का औसत मेरे भाई वाई है, और पूरे के पूरे क्लास का औसत जेड है, तो वहां हम एलिगेशन कैसे लगा पाएंगे, इस बात को समझिएगा। तो जैसे मैंने यहां पर क्या कहा, मैंने यहां कहा कि यार ये बॉयज हो गए हमारे। ठीक है, क्या हो गए, तो बोलोगे सर ये बॉयज हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो बॉयज का यहाँ पर कंसेप्ट और ये हमारा गर्ल्स का हो गया, और यहाँ पर टोटल हो गया। और जब मेरे भाई इनका हम रेशियो लगाते हैं ना, तो यहाँ पर इनमें एलिगेशन लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर बड़ा वाला वैल्यू इन दोनों में जो बड़ा होगा, मान लेते हैं कि बॉयज हमारा बड़ा है किससे, गर्ल्स से, तो बॉयज हमारे यहाँ पर टोटल को घटाएगा और ये टोटल जो है वो गर्ल्स को घटाएगा, इस प्रकार से उसको यहाँ लिख रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको देके दिखाते हैं, मान लीजिए कि कोई क्लास है और क्लास में लड़कों का औसत हमारा कितना है, तो उस क्लास में हमारा लड़कों का औसत 70 है, उस क्लास में लड़कियों का औसत वजन कितना है, तो 60 है, और पूरी की पूरी क्लास का औसत वजन कितना है, तो 62 है। आप मुझे यहां पर ये बता दो, उस क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, मात्रा अनुपात की बात करते हैं, बॉयज और हमारा गर्ल्स का रेशियो कितना है। बोलोगे 70 में से 62 गया तो यहां कितना आएगा, 8 आएगा, और 62 में से 60 गया तो 2 आएगा। यानी अगर हम रेशियो की बात करें तो 1:4 हो जाएगा। लेकिन ये ठीक है, आ गया, लेकिन क्या आपने अपने आप से पूछा कि ये 1:4 क्यों आया, क्यों 1:4 हम नंबर को ही लिए, हम कुछ और किए, ये सम का वैल्यू क्यों नहीं हो गया, ये नंबर का ही रेशियो क्यों रहा? वो कंसेप्ट जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो आवश्यकता है मेरे भाई वहां पर उस बात को समझने की, कि अक्सर में जब हम एलिगेशन लगा रहे होते हैं ना, तो हमें आवश्यकता क्या, मतलब मिलता क्या है हमें वहां पर, रेशियो किसका मिलता है। प्रॉफिट लॉस के टॉपिक में लगाएंगे तो किसका रेशियो मिलेगा, परसेंटेज में लगाएंगे तो किसका रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग टॉपिक्स में किसके रेशियो हमें मिल रहे होते हैं, समझिए इस बात को। तो जैसे मान लीजिए हम सबसे छोटी सी बात शुरुआत करते हैं, लगभग आप लोग ये बात जानते होंगे कि प्रॉफिट का जो होता है वो हमारे बराबर होता है किसके, प्रॉफिट अपॉन सीपी के। अगर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के नजरिए से देखें, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो स्पीड होता है वो हमारा बराबर हो जाता है किसके, डिस्टेंस अपॉन मेरे भाई टाइम के। अगर हम बात कर रहे होते हैं औसत की रफ्तार में, औसत की बात में, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई क्या होता है, तो बोलोगे सर एवरेज का जो फॉर्मूला हमने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा वो हमारा पढ़ा कितना, तो सम अपॉन नंबर हो जाता है। ठीक है, अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी हमारा क्या होता है, तो सीपी में आप क्या कहते हैं, आप बोलते हैं सर 5 रुपये प्रति किलो, आपने अक्सर ऐसा बात सुना है। यानी अगर हम सीपी में भी बात करें तो क्या हो जाएगा कि 1 किलो का दाम, देखो ये 5 रुपये और कितना हो जाएगा, तो 1 किलो। अब हम आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ बताना शुरू करेंगे। कई ऐसे
बच्चे हैं जो मेंस लेवल का तैयारी तक करके बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी उनका एलिगेशन को लेकर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो आप समझिएगा। एलिगेशन में कभी भी किसी भी क्वांटिटी में अगर आप कोई भी एलिगेशन लगा रहे हैं ना, तो हमेशा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है रेशियो उसी का मिलता है, अनुपात उसी का मिलता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास दो वस्तु है, एक मेरे पास कलम भी है और एक मेरे पास किताब भी है, ठीक है। मैंने जो है वो पेन को कितने के प्रॉफिट में बेचा है, पेन को मैंने 15% के प्रॉफिट में बेचा है। मैंने जो है वो किताब को कितने के प्रॉफिट में बेचा है, तो 9% के प्रॉफिट में बेचा है। और दोनों को जब मिलाकर मैंने ओवरऑल औसत निकालने की कोशिश की कि यार पेन और बुक दोनों पर ओवरऑल मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, तो पता चला मुझे कि यार यहां पर 6% का प्रॉफिट हुआ है। हमेशा याद रखना, बीच वाला डेटा हमेशा इनके बीच का ही होता है, ठीक है। यहां सॉरी छः ना कह के हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर 11 कह सकते हैं कि एक ये जो डेटा है एक से बड़ा होगा और दूसरे से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब जब इसमें एलिगेशन लगाओगे तो 15 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 11 में से 2 माइनस करोगे या 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इनका रेशियो कितना है, 1 और 2। अब ये रेशियो किसका आया, तो बोलोगे सर अगर प्रॉफिट परसेंट का लगाओगे ना तो रेशियो किसका मिलेगा, सीबी का। यानी ये प्रॉफिट परसेंट है तो रेशियो किसका मिलने वाला है, तो रेशियो सीबी का मिलने वाला है। उसी तरीके से कल के दिन अगर मान लीजिए स्पीड का एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो जो मिलेगा वो तुम्हें टाइम का मिलेगा। एवरेज का लगाओगे तो यहाँ रेशियो किसका मिलेगा, नंबर का मिलेगा। और कॉस्ट प्राइस का एलिगेशन लगाओगे तो क्वांटिटी का रेशियो मेरे भाई मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ पर आपने देखा तो एवरेज का एलिगेशन लगाने पर किसका रेशियो मिलता है, तो एवरेज का रेशियो लगाने पर हमें नंबर का रेशियो मिलता है। तो यहाँ पर एक एक करके हम सारे चैप्टर को ब्रीफ वे में बताने वाले हैं, हर चैप्टर का एक कंसेप्ट भी हम आपको सिखाएंगे और उसके ऊपर तगड़े तरीके से सवाल भी कराएंगे, ताकि आपको भी मजा आएगा और कहोगे आप कि हाँ सर इस 8:30 वाली क्लास के आदित्य सर की क्लास से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो सबसे पहले एवरेज में हम एलिगेशन कैसे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं हमारे पास और उससे मिलकर पूरा का पूरा जो है टोटल की बात की जा रही है, तो पहले व्यक्ति का एवरेज यहां लिखिएगा, दूसरे व्यक्ति का एवरेज यहां लिखिएगा, टोटल का एवरेज मेरे भाई यहां पर लिखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जब इनका डिफरेंस लेंगे तो वैल्यू यहां आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वैल्यू यहां आएगा, और जो वैल्यू होगा ना मेरे भाई वो उनके नंबर का रेशियो होने वाला है। क्या होने वाला है, नंबर का रेशियो होने वाला है। जैसे शुरुआत करते हैं एकदम सबसे पहले सवाल सीजल 3 दिसंबर 2022 में भी लेटेस्ट में पूछे गए सवालों के साथ, और इसी के साथ आप लोगों का लाइक बढ़ जाना चाहिए और उत्साह बढ़ जाना चाहिए और कमेंट बॉक्स में दना दना हर किसी का आंसर आ जाना चाहिए। तो चलो हमारे मुन्ना और मुन्नी फटाफट आंसर देना शुरू करो सबसे वाले पहले सवाल का। बताइए क्या मेरे भाई आंसर होगा, फटाफट बोलेंगे सर देखिए कक्षा में 60 छात्रों का औसत अंक 62 है, उस विषय में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक 60 और 65 है, कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। हमने एक ही बात कहा, हमेशा इस बात को समझना, एक तरफ क्या लिख लो, बॉयज लिख लो यहाँ पे, बोला गया ना। इंग्लिश में भी आप इसे पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी क्या कहा गया, द एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 62, ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट सब्जेक्ट आर 60 एंड 65, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। बहुत ही प्यारा सवाल, मजा आ जाएगा देखो यहाँ पे। तो मेरे भाई टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं, तो मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट हैं, उस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 60 बच्चे हैं, और उनका औसत कितना है, तो 62 है। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज का औसत 60 है, गर्ल्स का औसत 65 है, और हमसे नंबर ऑफ पूछा गया। हमने कहा यार हमें एलिगेशन में इतना आता है कि बॉयज का औसत यहां लिख देते हैं, गर्ल्स का औसत यहां लिख देते हैं, टोटल यहां लिख देते हैं, और नीचे जो हम लिख रहे होते हैं ना इनके नंबर का रेशियो होता है। नीचे हम क्या लिख रहे होते हैं, तो नीचे इनके नंबर का मेरे भाई रेशियो होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, समझना है, जानना है, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या कहा, कितने बच्चे हैं, 60, ठीक है, बाद में देखेंगे। 60 बच्चों का औसत कितना है, 62, यानी ये हमारा टोटल का औसत है। आपकी नजरें पकड़ ले सवाल के अंदर डेटा को, इस बात को ध्यान रखो। तो पूरे के पूरे क्लास का औसत हमारा कितना है, 62 है, पूरे के पूरे क्लास का औसत हमारा कितना है, तो 62 है, तो टोटल के जगह कितना लिखेंगे, 62 लिखेंगे। फिर उसके बाद लड़के और लड़कियों का, ये हमारा लड़कों का औसत है और ये हमारा लड़कियों का औसत है, तो लड़कों का औसत लड़कों के जगह पे, लड़कियों का औसत मेरे भाई लड़कियों के जगह पे, तो लड़कों के जगह पे कितना लिखेंगे, 60, और लड़कियों का औसत 65 है, तो कितना लिखेंगे, 65 लिखेंगे। जब आप यहां पर इसमें एलिगेशन वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो आप क्या सीखेंगे, आपने कहा सर ने कहा था कि बड़ा वाला छोटे वाले को माइनस करता है, बड़ा वाला छोटे वाले को क्या करता है, माइनस करता है, एकदम टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं, सीधा सीधा नहीं लिखते, बहुत को लगता है कि यहां पर जो है 65 ने 62 को घटाया तो 3 यहां लिखना चाहिए, बस उसी दिन खत्म हो जाते हो। समझ में आ गया बात, जब तीर टेढ़ी चली है तो टेढ़ा ही चलाना है यहाँ पे, जब इसने यहां पर जो है वो सीधा का सीधा माइनस ना करके टेढ़ा किया है ना, तो फिर ये मेरे भाई सीधा ही जाएगा। 65 में से 62 को माइनस करोगे तो 3 आएगा, और 62 में से मेरे भाई 60 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2। यानी आप ये बात बोलोगे
कि उस क्लास में लड़कों और लड़कियों का जो हमारा अनुपात है वो कितना है, 3:2 के अनुपात में है। उस क्लास में बच्चे किस रेशियो में है, 3:2 के रेशियो में है। यानी अगर हम बात करेंगे तो क्लास में बच्चे कितने हैं, 60। तो हम यहाँ बोलेंगे 60 हमारा कितने का डेटा है, तो 60 हमारा 5 का डेटा है। कितने का डेटा है, तो 5 का डेटा है। और यहाँ नंबर ऑफ बॉयज बोला गया है, कितने बॉयज है मेरे भाई, तो 3 बॉयज है, तो यहाँ 3 का मान हमें बताना है। समझ गए मालिक या नहीं समझे बताइए जल्दी से। 5 से काट लीजिए जनाब 12 बार में, और 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यही तो हमारा एक करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही उत्तर है। ठीक है सर, आपका वीओडी बैच इनफ है? जी हाँ बिल्कुल इनफ है। भारत में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालना चाहते हो ना, यूपी से लेके बिहार से लेके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालना चाहते हो जिसका सिलेबस आपका एसएससी की तरह है, तो आराम से आप वीओडी बैच से जो है उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और एक बढ़िया जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। वीओडी बैच एक हमारा ऐसा बैच है जो ब्रह्मास्त्र अपने आप में, जिसमें हर एक कंटेंट को बहुत ही शानदार तरीके से मैंने करा रखा है, और अगर कोई बच्चा उसे पढ़ेगा तो उसको इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आराम से प्री और मेंस दोनों एक ही बार में निकाल पाएगा। ठीक है, तो वीओडी बैच के टक्कर का कोई बैच नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए, शुरुआत करते हैं यहां पर। एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 हैं। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक हमारे 55 हैं और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 30 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक क्या है? ठीक है, अब बड़ा प्यारा सवाल हमारा यहां देख लीजिए। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट, बच्चों की संख्या 80 है, ठीक है, उनका औसत कितना है, तो 50 है। एवरेज मार्क्स ऑफ पास, पास करने वालों का औसत कितना है, तो 55 है। और यह एवरेज नहीं दिया गया, यहां नंबर दिया गया, बहुत लोग इसको एवरेज पढ़ लेता है, गलती है मेरे भाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल द एग्जामिनेशन आर 30, नंबर द स्टूडेंट हु फेल द एग्जामिनेशन आर 30, यानी फेल करने वालों की संख्या दी है लेकिन उनका औसत नहीं दिया है। हमसे बोला व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हु फेल द एग्जामिनेशन, जो फेल कर गए उनका औसत हमारा कितना है हमें यह बताना है। हमने कहा ठीक है जनाब, यहां पर लड़कों का देखो, जो पास करने वाले हैं उनका औसत यहां लिखेंगे, फेल करने वाले का औसत यहां लिखेंगे, टोटल का औसत यहां लिखेंगे, और जब हम यहां पर इनमें एलिगेशन लगाएंगे तो ये पास करने वालों की संख्या और ये फेल करने वालों का संख्या, यानी मेरे भाई क्या मिलेगा, तो उनका नंबर मिलने वाला है। क्या मिलेगा मेरे भाई, तो उनका नंबर मिलने वाला है, बहुत ही आसान तरीके से, सहज तरीके से, सरल तरीके से। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक हमारा कितना है, तो 50 है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 80 छात्रों का औसत अंक हमारा कितना है, तो यहां पर 50 है। फिर उसके बाद उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का औसत अंक कितना है, तो 55 है। यहां पे उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का औसत अंक यानी पास करने वालों का हमारा कितना है, तो पास करने वालों का मेरे भाई जो है वो जरा समझिएगा, उत्तीर्ण करने वालों का एक मिनट यहां रुक जाइए। ठीक है, सीधा कहा गया परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक 50 है, यानी टोटल का औसत, टोटल का औसत कितना है, तो मेरे भाई टोटल का औसत हमारा 50 है। फिर उसके बाद यहां देख लीजिए उत्तीर्ण होने वालों का औसत 55 है, पास करने वालों का औसत हमारा कितना है, तो पास करने वालों का औसत हमारा 55 है। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या यानी फेल करने वालों का संख्या दे रखा है, और कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो हमसे बोला गया ये इसका औसत कितना है। अब एक बात बताओ, पूरे क्लास में कितने बच्चे हैं, पूरे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो बोलोगे सर पूरे क्लास में 80 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, और 80 बच्चों में अगर 30 हमारे फेल कर गए तो हमारे पास करने वाले कितने हैं, तो बोलोगे सर पास करने वाले 50 हैं। 30 अगर फेल कर गए तो पास करने वाले कितने हैं, 50 हैं। तो अगर हम मेरे भाई रेशियो लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से दोनों कट जाएंगे। अब एलिगेशन का पहला नियम कि आप एलिगेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, जब ऊपर दिए गए डेटा दिए गए होते हैं ना तो बड़े आराम से रेशियो निकाल लेते हो, लेकिन सोचो कि ऊपर दिए गए डेटा में एक भाग मिसिंग हो तो कैसे निकालोगे, ऊपर ये 3 पार्ट में से एक पार्ट को एग्जामिनर गायब कर दे तो कैसे कैलकुलेट करोगे। उस केस में हम आपको बताते हैं करना क्या है, बहुत आराम से, बहुत तरीके से, बहुत ही सज्जन तरीके से। क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 50 की वैल्यू यानी बीच वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी साइड इंटू साइड मेरे भाई यहां पर, तो मेरे भाई 55 × 5 हो जाएगा। और प्लस उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां मान लेते हैं इस डेटा को कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं मेरे भाई, एक्स मान लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो एक्स इंटू 3 हमारा हो जाएगा, ये क्लियर है। और डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो 5+3 यानी 8 के साथ। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 8 × 5 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 55 × 5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 275 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया मेरे भाई, 3x हो गया। इसमें से इसे माइनस करिए यहां पे, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर 125 हो जाएगा। और ये 125 किसकी वैल्यू है, 3x की। अगर हम 3 से काटना शुरू करें तो मेरे भाई 3 से देखो ये कैसे कटेगा, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 2 बच जाएगा, दशमलव लगाओगे 20 हो जाएगा, और 0.66, ऑप्शन नंबर ए जो है आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, आओ कभी हवेली पे, बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो 90 छात्रों का एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं तथा शेष हमारे लड़के हैं,
लड़कों के औसत अंक 63 हैं और लड़कियों का 70 है, पूरी कक्षा का औसत अंक हमारा क्या होने वाला है हमें ये बताइए। हमने कहा ठीक है, क्लास जो बनता है वो किससे बनता है, लड़कियों से भी बनता है और लड़कों से भी बनता है, उसमें कितने बच्चे हैं तो 90 बच्चे, 60% लड़कियां हैं बाकी हमारे लड़के। हमने कहा ठीक है भाई साहब, बताते हैं ना यहाँ पे, ये बॉयज हो गया, ये गर्ल्स हो गया और ये टोटल हो गया लड़कों का औसत यहाँ पर, ठीक है। लड़कों का औसत हमारा कितना है, 63 है, तो बॉयज़ के जगह पे हम कितना लिखने वाले हैं, तो 63 लिखने वाले हैं। उसके बाद गर्ल्स का औसत हमारा कितना है, तो गर्ल्स का औसत हमारा 70 है मेरे भाई, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास, पूरी क्लास का औसत पूछा है तो उसको कितना बोल देंगे, एक्स बोल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है वो बोला गया है कि यहाँ पर 90 बच्चे, आवश्यकता ही नहीं है इसकी यार, क्यों लिख रहे हम 90 बच्चे, जब लड़के और लड़कियों का हमारा अनुपात लिखना है तो टोटल लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, 60% लड़कियां हैं और बाकी हमारे लड़के हैं, तो अगर हम बात करते हैं लड़कियों को लेकर तो गर्ल्स कितनी है, तो 60% है, और जो बच गए मेरे भाई वो कौन है, तो जो बाकी बच गए वो हमारे लड़के हैं, यानी कौन से हो गए, 40% हमारे लड़के हो गए। हमें आवश्यकता नहीं है 90 को लेकर उसका 60% उसका 40% निकालने की, आसान भाषा में 60% लड़कियां हैं, 40% हमारे लड़के हैं, खेल खत्म भाई, दैट्स इट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बात को यहां जानते हैं। अगला बात हमें क्या कहा गया, अगला बात यहां पर बहुत ही साफ लफ्जों में है कि सर ये 20 का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा सर, और ये 20 का हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, और आगे जाने, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वही बात कहा था कि x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, तो x की वैल्यू निकालने का तरीका यह है साइड इनटू साइड, यानी हम बात करेंगे सर देखो साइड वाले को साइड वाले से गुना करिए, तो 63 को किससे गुना करिए, 2 से गुना करिए, प्लस साइड वाले को साइड वाले से गुना करिए, यानी 70 को 3 से गुना करिए, और डिवाइड करिए मेरे भाई किसमें, 2+3 में, यानी 2+3 में, यहाँ पे ठीक समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये कितना है, तो 126 है, और ये हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 210 है, और इसको भाग कितने से करना है, तो 5 से भाग करना है। अगर हम इनको देखें तो ये हमारा 336 हो जाएगा, 336 को हम 5 से भाग करेंगे। इतिहास गवाह है, हमने बता रखा है आपको कि जब भी किसी भी संख्या को दुनिया में 5 से भाग करना हो ना, हम 5 से भाग नहीं करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं मेरे भाई, हम यहाँ पर बहुत ही तसल्ली से इसका डबल करते हैं। 336 का डबल हमारा कितना हो जाता है, 672, तो पहले डबल कर दो और एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा दो, 67.2 ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और डी फॉर क्या होता है मेरे भाई, एक अच्छा सा वोकैबुलरी जल्दी से लिखकर बताओ कमेंट बॉक्स में, तभी साथ के साथ भाई हमारा मैथ्स भी कंप्लीट होता रहेगा और वो कैब भी कंप्लीट होता रहेगा, तो सुकून आपको भी आता रहेगा, सुकून हमको भी आता रहेगा। चलिए आगे बताते हैं। किसी टोकरी में रखे सेबों का औसत भार जो है वो 50 किलोग्राम है, उस टोकरी में 60 किलोग्राम जो है या किलो क्या लिखा गया, 60 किमी औसत भार वाले 6 हैं, 6 और सेब मिलाए जाते हैं, यदि टोकरी में सेबों का औसत भार 5 किमी या केजी पता नहीं ऐसा होगा, 5 किमी की वृद्धि हो जाती है, तो टोकरी में प्रारंभ में रखे सेबों की संख्या क्या है। इंग्लिश से थोड़ा और क्लियर होगा, द एवरेज वेट ऑफ एप्पल इन अ बास्केट इज 50 kg, यानी एक बास्केट है उसके अंदर का औसत कितना है, तो 50 किलो है। 6 मोर एप्पल विद एवरेज वेट ऑफ 50 kg आर एडेड इन द बास्केट, इफ द एवरेज वेट ऑफ द बास्केट इज इंक्रीज बाई 5 kg, फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल इन द बास्केट ओरिजिनली, तो शुरू में यहाँ पर कितने सेव थे, हमने क्या कहा आपसे, समझो मेरी छोटी सी बात को समझना, ये आपका पूरा का पूरा बास्केट है और इस बास्केट के अंदर क्या है, तो इस बास्केट के अंदर मेरे भाई कुछ यहाँ पर एप्पल रखे हुए हैं, तो कहा गया एवरेज वेट ऑफ एप्पल इन अ बास्केट इज 50 kg, इसके अंदर कितने एप्पल हैं नहीं पता, मान लेते हैं एक्स एप्पल है, इनका औसत कितना है, तो 50 किलो है। फिर उसके बाद एक और ऐसा टोकरी मिलाया गया और इस टोकरी में भी मेरे भाई यहाँ पर कुछ फल रखे हुए हैं, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 6 मोर एप्पल विद एवरेज ऑफ 60 kg, 6 एप्पल को और जोड़ दिया गया जिनका औसत कितना है, 60 किलो है, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है द एवरेज वेट ऑफ बास्केट इंक्रीज बाई 5, अब चूंकि इसको मिला दिया और इसको मिला दिया तो एक बड़ा बास्केट बन गया और उस बड़े वाले बास्केट का जो औसत है वो हमारा 5 से बढ़ जाता है, यानी पहले जहां इनका औसत 50 हुआ करता था अब वो 5 से बढ़कर हमारा कितना हो गया, तो 55 हो गया, तो हमें यहां पर वैल्यू बतानी है कि x का मान कितना है, ठीक है, हमें वहां बतानी है x का मान कितना। अब इस बात को समझिए क्यों यहां पर हम एलिगेशन लगाएंगे, कुछ और क्यों नहीं ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बार बार सिखाता है कि जब भी दो अलग अलग क्वांटिटी को मिलाकर कुछ आपने बनाया वहां एलिगेशन लगेगा। एक टोकरी पहले थी, एक टोकरी और आ गई, दोनों को मिलाकर आपने एक बड़ा टोकरी बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, तो हमारा एलिगेशन लगेगा, पहले टोकरी का औसत ये रहा, दूसरे टोकरी का औसत ये रहा, पूरी टोकरी का औसत हमारा ये रहा, और यहाँ पर हम उनका क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर उनका रेशियो लिखेंगे। तो चलिए आज ये ज़रा यहाँ पर हम लिखते हैं, तो पहले वाले टोकरी का औसत हमारा कितना है, तो 50 है, दूसरे वाले टोकरी का औसत हमारा कितना है, तो 60 है, पूरे टोकरी का औसत हमारा कितना है, तो मेरे भाई 55 है, ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। इसके कितने थे तो पता नहीं, इसके कितने एप्पल ऐड किए तो 6 ऐड किए हैं, ठीक है। यही सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो एवरेज वेट ऑफ एप्पल इन अ बास्केट इज 50 kg, 6 मोर एप्पल विद द एवरेज वेट ऑफ 60 आर एडेड इन द बास्केट, एवरेज वेट ऑफ बास्केट इज इंक्रीज बाई 5 kg, फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल इन द बास्केट। ओरिजिनली शुरू में बास्केट में यहाँ पर जो है औसत कितना था, क्या था, हमने कहा ठीक है हम जानेंगे समझेंगे बात को यहाँ पर कि हम किस तरीके से कर पाए। दो तरीका है हमारे इस सवाल को सॉल्व करने का, दो तरीका बिल्कुल, और वो दो तरीका मेरे भाई यहाँ पर कैसे, 55 कैसे आया फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल देखो, क्वेश्चन में ये कहा गया था टोकरी में सेब का औसत भार इतना किलोग्राम है, और यदि सेब में औसत भार में 5 किलोग्राम बढ़ जाए, यानी पहले 50 था और 5 बढ़ जाए, तो 50 में अगर आप 5 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 55 ही तो हो जाएगा ना। समझ में आ गया बात यहाँ पे कि एवरेज जो था वो पहले 50 था और उसके बाद 6 एप्पल को और ला दिए, और उसके बाद जो है तब औसत हमारा कितना हो गया, 5 बढ़ गया, तो 50 में 5 बढ़ गया इसलिए 55 हो गया। छोटी सी बात को समझिए आप यहाँ पे कि इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, मात्र सेकेंडों में इसका आंसर दिया जा सकता था। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया शायद उसको कंसेप्ट ही नहीं पता कि एलिगेशन को तोड़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। ये बताइए, हमने आपको इतना तो सिखा रखा है ना कि बड़ा डेटा छोटे डेटा को माइनस करता है, हाँ या ना, बस इतना बताइए करता है कि नहीं करता, बस। तो वही बात, ठीक है, आप 60 में से 55 को घटा दीजिए, जब आप 60 में से 55 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और 55 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 5, 60 में से 55 को घटाएंगे तो 5 आएगा, 55 में से जो है यहां 50 को घटाएंगे तो 5 आएगा। अगर 5 के लिए 6 दिया गया है तो मेरे भाई यहां भी तो 5 के लिए 6 ही दिया गया होगा, बताओ कैसे भूल गए ये बात आप यहां पे। अगर इस 5 की वैल्यू 6 है तो इस 5 की भी तो वैल्यू 6 होगी, यानी x का मान हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फॉर एक अच्छा सा वोकैबुलरी बताइए जल्दी से फटाफट। अब यहां पर आप लोगों ने देखा कि कैसे एवरेज के सवालों में, औसत के सवालों में हम एलिगेशन को लगाते हैं। अब यहां पर देखते हैं सही तरीके से प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में हम औसत को कैसे लगाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर कहा एक वस्तु को बेचने पर इतने परसेंट का लाभ है, दूसरे को बेचने के इतने परसेंट का लाभ है, पूरे पर हमारा इतने परसेंट का लाभ है, तो उस केस में क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मेरे भाई, ये 3 पॉइंट मैंने यहां लिख रखे हैं, CP1 CP2, अगर क्वांटिटी हमारा सेम है। ये क्वांटिटी देखो, इसमें 3 केस बनते हैं। कई बार प्रॉफिट परसेंट का रेशियो लगाने में हमें किसका रेशियो मिलता है, तो सीपी का मिलता है, ठीक है, कब, जब हमारा क्वांटिटी सेम हो, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है मेरे भाई कि हमने 4-5 अलग अलग वस्तुएं खरीद ली और सबको सेम दाम पर खरीद लिया, उस केस में यहां पर प्रॉफिट परसेंट का जो है एलिगेशन लगाने में रेशियो किसका मिलता है, क्वांटिटी का मेरे भाई मिलता है यहां पे, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे भाई को यहां बात, यहां पे चलिए आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां देखते हैं, अगला सवाल हम समझते हैं, सवाल के माध्यम से ही जानेंगे। चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 15 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी को मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रित चीनी को बेचने पर न हानि हो और न लाभ हो, बताइए किस अनुपात में आप मिलाएंगे। तो हमसे यहाँ पर कहा गया रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर विच कॉस्टिंग 20 per kg, यानी पहला वाला सीपी यहाँ लिखना है, उसको मिक्स किया गया है किसी दूसरे शुगर के साथ, यानी दूसरा वाला यहाँ लिखना है, ठीक है, एंड सो दैट देयर विल बी नो लॉस और नो गेन ऑन द मिड शुगर एट इतना, और तीसरा वाला यहाँ लिखना है मेरे भाई। समझो ये वाला स्टेटमेंट हम आपको समझाते हैं। क्या होता है कि जब प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन आता है ना, जिसको हम लोग एलिगेशन से बनाते हैं, तो अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ का कॉस्ट प्राइस दे देता है, यहाँ का कॉस्ट प्राइस दे देता है, और यहाँ कॉस्ट प्राइस ना देके वो बार बार यहाँ सेलिंग प्राइस देता है। अब एक बात जान लेना कि अगर एलिगेशन लगाना है तो सेम यूनिट में लगाओगे, अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस ही आना चाहिए, यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, विक्रय मूल्य आपका नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात को। तो विक्रय मूल्य अगर आ गया तो क्या करेंगे, उससे हम कॉस्ट प्राइस मेरे भाई निकालेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर विच शुगर कॉस्टिंग 20 per kg, यानी पहला वाला चीनी का कीमत कितना है, तो 20 रुपए प्रति किलो, उसको मिक्स किया जा रहा है कितने वाले के साथ, तो 15 रुपए प्रति किलो, और जब हम यहां बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं यहां पर कितने पे, तो 16 रुपए प्रति किलो पे, तो 16 पे बेचने पे ना फायदा है ना नुकसान है, यानी वो वैल्यू जिस पर ना फायदा हो ना नुकसान हो, यानी हमने खरीदा भी उतने पर ही है, ये 16 कहने के लिए सेलिंग प्राइस है, बस कॉस्ट प्राइस की भी वैल्यू इतनी होगी। ऐसे समझ लो मैंने इस मार्कर को 100 रुपए में बेचा, ना फायदा ना नुकसान, इसका मतलब मैंने खरीदा भी 100 रुपए में था। मैं किसी वस्तु को जितने में खरीदूंगा अगर उतने में ही बेच दूं तो ना मुझे फायदा होगा ना नुकसान होगा। तो वही बात है, इस सवाल में कहा गया कि यदि 16 रुपए पर आप बेचते हैं तो ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, यानी 16 रुपए ही हमारा क्या है, तो क्रय मूल्य है, इसलिए हमने यहां कितना लिखा है, तो मेरे भाई 16 लिखा है यहां पे। क्लियर है ये बात तरीके से। आज ये चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 16 में से 15 चला गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 20 में से 16 चला गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यही हमारा रेशियो है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सवाल इसमें कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, बहुत आसान होता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत आसान होता है, बस ये रहता है यहाँ पर कि समझने की आवश्यकता है। आ जाओ, 9 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाली
कितने किलोग्राम चीनी को 7 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाली 27 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को इतने रुपये प्रति किलोग्राम के दर पर बेचने पर 10% का लाभ हो। हमने क्या कहा ऐसे सवालों में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है? तो मेरे भाई हमने यहाँ पर यह कहा कि देखो एक वस्तु जैसे ऐसे सवाल आता है ना, पता है आसाम की टी को उठा लिया, दार्जिलिंग की टी को उठा लिया और अपना दुकान खोलने के लिए दोनों की टी को उठा के मिक्स करके हम बेच दिए। आसाम की टी को 100 रुपये किलो में उठाया है, दार्जिलिंग की टी को 120 रुपये प्रति किलो में उठाया है और अपना वाला 150 रुपये में बेच के 30% का लाभ कमा लिए। मेरे भाई बताओ यहाँ पर किस रेशियो मिला? ऐसे ऐसे सवाल बोले जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी दो अलग अलग वस्तुओं को मिलाकर कोई तीसरी क्वांटिटी बनाई गई हो ना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम एलिगेशन लगाते हैं। तो वही वाली बात है, 9 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाली चीनी, 9 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाली चीनी को 7 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाली चीनी के साथ क्या करना है, मिक्स करना है ताकि मेरे भाई यहाँ पर मिश्रण को इतने रुपये की किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। यानी सोचो कि अगर मैं किसी वस्तु को इतने रुपये में बेच रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का, यानी ये मेरे भाई सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। और एलिगेशन में क्या करते हैं, अगर पहले का सीपी लिखा दूसरे का सीपी लिखा तो यहाँ टोटल का सीपी ही आना चाहिए, बट हम क्या करेंगे सीधा एसपी उठा के रख देंगे। ये गलती है हमारी, ये हमारी क्या है, ये हमारी गलती है मेरे भाई, हमें ऐसा काम नहीं करना है। तो हमने कहा पहले का सेलिंग, पहले का कॉस्ट प्राइस, दूसरे का कॉस्ट प्राइस और यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम टोटल का कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। किसी वस्तु को हम इतने में बेचते हैं और हमें लाभ होता है 10% का, यानी ये हमारा कितने का मान है, तो 100% की वस्तु 10% का लाभ यानी 110% का मान है। और हमें पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस यानी हम 100 से गुना कर देंगे, 0 से हमारा 0 खत्म, 11 से हमारा 8 बार में 88 और 4 बार में मेरे भाई कितना होगा, 44 8.4 को 10 के साथ गुना करेंगे 84 आएगा, सॉरी 8 पॉइंट मेरे भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, ऐसे एक काम कर लो, ऐसे कर लो आप कि जैसे मान लो इसका दशमलव हटा दिया तो कितना आ गया, 100 आ गया, इसने इसे ख़त्म कर दिया, 11 से आपने काटा 8 बार में, 11 से काटा 4 बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 84 को 10 से भाग करोगे 8.4 निकल के आ जाएगा। अब लगा लो मेरे भाई एलिगेशन, 9 में से इसको घटाना, तो 9 में से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.6, और इसमें से इसको घटाना तो कितना हो जाएगा, 1.4। रेशियो निकालते हैं, दशमलव से दशमलव उड़ाते हैं, अनुपात हमारा कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ बोलेंगे हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 रुपये पर केजी विद मिक्सचर 27 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग इतना, ठीक है, सो दैट देयर मे बी अ गेन ऑफ 10% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 9.24। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, बहुत ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1.4 हो जाएगा, ठीक है, इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो 1.4, अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो 7 बार में और ये कितना हो जाएगा, 3 बार में। अब यहाँ पर तो ये रेशियो आ गया हमारा, इस रेशियो को हम वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें, हम कैसे जानेंगे यहाँ पर कि किसके बारे में क्या कहा गया, कैसे कहा गया? तो हमने यहाँ पर एक बात सोचा, हमने यहाँ पर समझा कि देखो यार तुम यहाँ पर देखो इंग्लिश में एक डेटा दिया गया और क्या दिया गया है कि यहाँ पर 9 रुपये वाले प्रति किलोग्राम, देखो हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 रुपये पर केजी, यानी जिसका रेट 9 रुपये है उसका हम कितना किलो मिक्स करेंगे किसके साथ, तो जिसका रेट 7 रुपये प्रति किलो है उसके 27 किलो के साथ, यानी 7 रुपये प्रति किलो जिसका रेट है ना उसका वजन दे रखा है, और उसका वजन कितना दे रखा है, 27 किलो, यानी 7 वाले का वजन दे रखा है, 9 वाले का वजन पूछना है। यानी अगर हम बात करेंगे तो इस 3 का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 का वैल्यू 27 दे रखा है, यानी मेरे भाई इसका 9 गुना, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, 7 का 9 गुना कितना हो जाएगा, तो 7 का 9 गुना 63 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। और यदि इस सवाल में हमसे टोटल पूछ लेता ना, तो टोटल के लिए हमें 63 को 27 को मेरे भाई हम दोनों को जोड़ देते, दोनों को क्या करते, दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अजी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ ट्रेडर हैज 50 kg ऑफ पल्सेस, पार्ट ऑफ विच इज सेल एट 8% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, ही गेन 40% ऑन द वूल, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। बहुत ही आसान सवाल, मतलब एक विक्रेता है मेरे भाई और इस विक्रेता के पास कितना है, तो 50 किलोग्राम दाल है, उसका कुछ हिस्सा 8% के लाभ पर बेचता है, बाकी 18 पर बेचता है और टोटल पर 14% का लाभ कमाता है। तो कहा गया कि 18% पर कितनी मात्रा बेची, हमने कहा ठीक है समझिए इस बात को, जानिए इस बात को, पहले वाले क्वांटिटी का प्रॉफिट यहां लिखना है, दूसरे वाले का यहां लिखना है, टोटल का मेरे भाई यहां लिखना है। तो पहले वाले पर कितने का लाभ है, तो पहले वाले पर 8% का लाभ है, दूसरे वाले पर कितने का लाभ है, तो मेरे भाई दूसरे वाले पर 18 का लाभ है, और टोटल पर हमारा कितने का लाभ है, तो टोटल पर हमारा 14 का लाभ है। अगर हम सही तरीके से देखें, 18 में से 14 गया तो हो जाएगा 4 और 14 में से 8 गया तो हो जाएगा 6, अगर हम रेशियो मेरे भाई देखते हैं तो रेशियो हमारा हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही प्यार तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो क्या कहा गया है,
ही गेन 40%, ठीक है, तो व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, 18% पर जो आपने बेचा था उसका क्वांटिटी कितना था, उसका मात्रा कितना था, ठीक है, उसके पास टोटल कितना क्वांटिटी है, तो बोलोगे सर टोटल 50 किलो है, टोटल कितना है तो 50 किलो है, तो ये 50 किलो हमारा कितने का मान है, तो 3+2 यानी 5 यूनिट का मान है, और हमसे पूछा कितना गया 18% वाले की मात्रा, तो मेरे भाई 18% वाले की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर, यानी जो 50 है वो 5 का मान है, 3 का मान निकालना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, समझे आप इस बात को, जाने आप इस बात को, बताइए, चलिए ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, एक आदमी ने 1200 रुपये प्रति किलोग्राम में एक पेन और पुस्तक को खरीदा, सॉरी 1200 रुपये में एक पेन और पुस्तक को खरीदा है, पेन को 20% के लाभ पर, पुस्तक को 25% के लाभ पर बेचा, ठीक है, इस तरह उसका कुल लाभ जो था वो हमारा इतना था, पुस्तक का लागत मूल्य हमारा कितना है, आपको भी यहाँ पर एक बात पता है, देख लीजिए, अ मैन परचेस्ड अ पेन एंड बुक फॉर इतना, उसने एक पेन को और किताब को इतने में खरीदा है, पेन का प्रॉफिट 20% है, किताब का प्रॉफिट इतना है, टोटल प्रॉफिट इतना है, यानी इस ट्रांजेक्शन में क्या है कि दो आइटम है उसके पास, दो वस्तु है, एक पेन भी है और एक बुक भी है, पेन का प्रॉफिट अलग है, बुक का प्रॉफिट अलग है, टोटल प्रॉफिट अलग है, और उसके बाद हमसे यहाँ बोला गया है कि बताइए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मैंने आपको क्या कहा कि आप जब भी लाभ और हानि में एलिगेशन लगाते हैं और जब भी दो आर्टिकल को बेचते हैं, एक का प्रॉफिट एक तरफ, दूसरे का प्रॉफिट दूसरे तरफ, टोटल प्रॉफिट बीच में, और जब उनका एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका मिलेगा, कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका मिलेगा, जल्दी से बताओ, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर हमारा पेन पर प्रॉफिट कितने का है, तो बोलोगे सर पेन पर प्रॉफिट हमारा 20% का है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बुक पर हमारा प्रॉफिट कितने का है, तो बुक पर प्रॉफिट हमारा 25% का है, टोटल प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो 23/1/3% का है, हमने कहा ठीक है सर समझते हैं इस बात को, जानते हैं कैसे कैसे हम सवाल को बना सकते हैं, लपेट सकते हैं, तो ज़रा यहाँ देखो 23 का 3 गुना 69 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 69 + 1 70 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 70/3% कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 70/3% मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, मिश्रण पढ़ाते वक्त भी हम आपको एक बात बताए थे और हमने यहाँ क्या बताया था कि भाई मेरे जब भी यहाँ पर एलिगेशन लगाते वक्त एक क्वांटिटी के नीचे बट्टा आ जाए, उस बट्टे को हल करने का नियम है, और ये है कि जितना नीचे आए उतना ही से सब में गुना कर दो, जितना नीचे आए उतना ही से सब में मेरे भाई गुना कर दो, तो यहाँ पर आपका नीचे कितना आया है, तो मेरे भाई नीचे 3 आया है, तो सब में 3 का गुना लगा दो, यहाँ भी 3 का गुना लगा दो, यहाँ भी 3 का गुना लगा दो, यहाँ भी 3 का गुना लगा दो, तो यहाँ बात करेंगे तो ये से देखो 70 है, 70 में से 60 घटा दोगे 10 आ जाएगा, 75 में से 70 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा, तो यानी रेशियो कितना है, तो रेशियो हमारा 1:2 का है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ये हमारा क्या था, तो ये हमारा पेन था, और ये हमारा क्या था, तो ये हमारा बुक था, ठीक है। और यहाँ पर एक व्यक्ति ने पेन और बुक को कितने में खरीदा है, तो 1200 में, तो 1200 उसका क्या हो गया, देखो आपने प्रॉफिट परसेंट में एलिगेशन लगाया है, तो रेशियो आपको कितने का मिलेगा, तो सीपी का मिलेगा, जो रेशियो आपको मिलेगा वो किसका मिलेगा, क्रय मूल्य का मिलने वाला है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 1200 जो है ये हमारा क्या है, दोनों का सीपी है, यानी 2+1 3 की वैल्यू है, ये 3 का मान है, और हमसे कहा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक बताओ, तो बुक की कीमत हमारी कितनी है, 2 का मान है, तो हमें 2 का मान बताना है, बहुत ही साधारण तरीके से, 3 से हम काटेंगे कितनी बार में, 400 बार में, 400 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 800, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, आ जाइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जैसा जैसा आपका सवाल आगे बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा हम लेवल को पिकअप करते चलेंगे, उठाते चलेंगे। इस सवाल में क्या कहा गया, एक आदमी द्वारा 20 पेन और 16 पेंसिल को 360 रुपये में खरीदा जाता है, ठीक है, उसने पेन के 25% के लाभ पर और पेंसिल को इसकी लागत मूल्य के 7/5 पर बेचा है, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करिए यदि वह अंक में या अंत में 120 रुपये का लाभ अर्जित करता है, यह हमसे पूछा गया, बहुत ही प्यारा सवाल कि 20 पेंस एंड 16 पेंसिल्स आर परचेस्ड बाय अ मैन फॉर रुपीज इतना, यानी इतना पेन और इतना पेंसिल इतने रुपये में उसने खरीदा है, इतने रुपये में उसने खरीदा है, ही सोल्ड द पेन एट 25% प्रॉफिट एंड पेंसिल एट इतना ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, पेंसिल को उसने कितने पे बेचा, तो 7/5 बेचा किसके, तो मेरे भाई यहाँ पर इसके कॉस्ट प्राइस के, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल इफ ईच अर्न प्रॉफिट ऑफ 120 एट द एंड। हमने कहा ठीक है, इतना मुश्किल सवाल है ना, हम थोड़ा आसान बनाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर इतना बेसिक से कोई नहीं बताता है, गुरुवर आपकी जय हो,
ठीक है, शायद आपने हमसे नहीं पढ़ा है, क्योंकि जब आप हमसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम एक एक सवाल के एक एक बात को एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराते हैं बच्चों को। ठीक है, इस तरीके से क्लियर कराते हैं कि यहाँ पर जो है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कष्ट ना हो, और सारी बातें उन्हें तरीके से समझ में आए, वो रटे नहीं चीज़ों को लेकर, वो समझे बहुत बेहतरीन तरीके से, ये मेरी कोशिश होती है। तो आप यहाँ पर देखो उस व्यक्ति ने क्या ख़रीदा, तो 20 पेन खरीदा, और क्या खरीदा, 16 पेंसिल खरीदे, कितने में खरीदा, 360 में, ठीक है खरीद लिया ना, अब जेब में रखो। उसने पेन को 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि पेन का प्रॉफिट कहाँ लिखोगे, तो पेन का प्रॉफिट मेरे भाई यहाँ पर लिखोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सवाल में कहा है पेंसिल को 7/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस में, तो अगर हम बात करेंगे तो पेंसिल की अगर हम बात करें तो पेंसिल हमारा कितना हो जाएगा 7/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी अगर हम तरीके से बात करते हैं तो यानी 7/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब पता है क्या हो गया, यानी उस व्यक्ति ने खरीदा 5 में था लेकिन बेचा कितने में है, तो 7 में है। बहुत सिंपल सी बात है कि उसका यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है ना, आप ऐसे समझो ना, सवाल में ये कहा गया कि सेलिंग प्राइस जो है वो 7/5 है सीपी के। अगर मैं यहाँ पर ये सीपी वाले शब्द को यहाँ से उठा के, ठीक है, यहाँ लेकर आ जाओ मेरे भाई, तो यानी सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 5/7 हो जाएगा, यानी आपने खरीदा 5 में और बेचा 7 में है, तो यहाँ से ज़रा प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो बोलोगे सर कितने का फ़ायदा, तो 2 का फ़ायदा, और कितने के ऊपर, तो 5 के ऊपर, 2/5 × 100% यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 40% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 40%, यानी दूसरा वाला जो किताब है या दूसरा वाला हमारा है कि पेन को इतने पर और पेंसिल को इतने पे, बाकी एक बच्चे को जो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है जिसने, उसको छोटी छोटी बातें पता हैं और इतना वो नहीं निकालेगा ड्रामाबाजी, उसको 7/5 बेचने का मतलब पता है कि 2 का लाभ 5 के ऊपर, 1/5 20%, 2/5 40%, तो वो यहाँ सीधा 40% लिख देगा। फिर बाद में क्या बोलेगा यहाँ पर कि उसने पेन को इतने पर बेचा, पेंसिल को इतने पे बेचा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन इफ ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना एट द एंड, लास्ट में उसको 120 का फायदा होता है, ठीक है 120 रुपये का फायदा होता है, लेकिन वो 120 रुपये कितने परसेंट का मान है ये बताओ कि वो 120 रुपये कितने परसेंट का मान है, क्योंकि आपने यहाँ पर पेन का प्रॉफिट लिख दिया, आपने यहाँ पेंसिल का प्रॉफिट का परसेंट लिख दिया, लेकिन पूरे ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ ये आपने नहीं लिखा। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो पूरे ट्रांजेक्शन में जो फ़ायदा हुआ 120 का हुआ है, और ट्रांजेक्शन हमने किया कितने का था, यानी खरीदा कितने का था 30, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 120 से काटेंगे 3 बार में, यानी 100/3, तो यहां कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 100/3% हो जाएगा। और इससे रेशियो क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट परसेंट, तो रेशियो किसका निकल कर आएगा, सीपी का। इस बात को समझिए, रेशियो किसका निकल कर आएगा मेरे भाई, तो सीपी का रेशियो निकल कर आने वाला है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, अब आगे यहाँ देखते हैं, अगला बात करते हैं। एक और पॉइंट हमने आपको समझा रखा है, और वो क्या कि जब भी एलिगेशन को सॉल्व करते वक्त नीचे बट्टा हो, हर किसी में उतने से ही गुना करते हैं, तो अगर हम गुना करें तो हर किसी में 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 3 से गुना करिए, यहाँ भी 3 से गुना करिए, यहाँ भी 3 से गुना करिए, क्या हो जाएगा 75 है। 100 में से 75 को घटा दो तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 120 में से जो है वो 100 को घटा दो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। रेशियो की बात मेरे भाई करते हैं, तो 4:5 जो हो जाएगा वो हमारा सीपी का रेशियो हो जाएगा। क्रय मूल्य का जो अनुपात हो जाएगा वो मेरे भाई जो है 4:5 हो जाएगा। बहुत क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर ये बात बोला भी, देखो ये क्रय मूल्य है, ये हमारा अनुपात है, ठीक है। तो हमने जो है टोटल खर्चा कितना किया था, तो टोटल खर्चा हमने 360 रुपये किए थे, वो 360 हमारा कितने का मान है, तो वो 360 हमारा 9 यूनिट का मान है। तो अगर 9 यूनिट का मान 360, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 40 हो जाएगा। और अगर 1 यूनिट का मान 40 हो जाएगा, तो यहाँ बताइए 1 यूनिट का मान 40 है, तो 4 यूनिट का मान 160, और मेरे भाई 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी हमारा सवाल नहीं बना, अभी हमसे ये नहीं बोला गया था कि आपने सारे पेन कितने में खरीदे या सारे पेंसिल्स कितने में खरीदे, ये बोला ही नहीं गया। ये जो कीमत आई है 160 रुपये सारे पेन की आई है, ये जो 200 रुपये आई है सारे के सारे पेंसिल की आई है। अगर हमसे एक पेंसिल या एक पेन निकालने को बोले तो हम क्या करेंगे, हमने मेरे भाई कितने पेन खरीदे 20 यहाँ पर, यानी अगर बात करते हैं तो ये हमारा 20 पेन का कीमत है, समझना मेरी बात को। और पेंसिल कितने खरीदे हैं 16, तो यानी ये जो हमारा वैल्यू है ये कितने का है 16 का है। आप सवाल में देखो क्या पूछा है, पेंसिल का कीमत पूछा है, पेन का पूछा है, किसका पूछा है, तो बोला फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, हर एक पेंसिल का मान कितना है, तो 16 पेंसिल का मान इतना है, तो एक पेंसिल का मान 16 × 16 40 हो जाएगा, 16 × 2 = 32 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर जो है 16 × 5 = C हो जाएगा, यानी 12.5 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, चलिए आ जाइए। तो समझ गए ना इस पॉइंट को लेकर आप यहाँ पे कि कैसे कैसे मेरे भाई क्या कहा गया, ठीक है यहाँ पर,
ठीक है, कि पेंसिल पेन को कितने पे बेचा, पेंसिल को कितने पे बेचा, टोटल को कितने पे बेचा, रेशियो आ गया सीपी का, ये टोटल कॉस्ट प्राइस, ये टोटल कॉस्ट प्राइस, उतने में 20 आर्टिकल, इतने में 16 आर्टिकल, एक आर्टिकल की वैल्यू निकाल दी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिकॉर्डेड बैच के बारे में, तो देखिए रिकॉर्डेड बैच एक ऐसा बैच है जो भारत के किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है यहाँ पे, ये हमारे बैच में हमने आपको जो है पूरा का पूरा गणित पढ़ा रखा है, और इसमें आपको अरिथमेटिक, एडवांस, डाटा इंटरप्रिटेशन, कैलकुलेशन, सारे के सारे टॉपिक्स हो रखे हैं, उनके बहुत अच्छे तरीके से वीडियो रखी है सीक्वेंस में, उनके मेरे भाई पीडीएफ हो रखे हैं, और फिर उसके बाद जो है क्लास नोट्स हो रखे हैं, ठीक है। हाँ, तो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर करा रखी हैं, और बच्चों की चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर कि उनको बहुत ही कम वे में, बहुत ही कम फीस में ये हमारा बैच मिले, इसलिए इसकी फ़ीस भी हमने कितनी रखी है, तो 699 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ जो है आपको ये बैच मिलता है। और एक अपडेटेड बैच है हमारा ये पूरा का पूरा वी ओ डी बैच, अगर आप देखेंगे तो जो नया वाला वी ओ डी है, जाकर देखिए इसके अंदर पूरे के पूरे टॉपिक्स अपडेट हैं, सारे टॉपिक्स अपडेट हैं, और एक से दो टॉपिक जो है वो भी बहुत जल्द मैं अपडेट कर दूंगा। कैसे मिलेगा आर जी विक्रमजीत एप्लीकेशन, आपको इंस्टॉल करना होगा कहाँ से, तो हमारे गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर किसी के पास लैपटॉप है वहाँ से देखना चाहता है तो rangersgurukul.com, वहाँ से मेरे भाई देख सकते हो आप, ठीक है। कोई भी कॉल करना हो तो ये दो दिए गए नंबर पर कॉल करो, आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप ज्वाइन करिए, बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ाई करिए, वैलिडिटी लाइफ टाइम होने वाली है, स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से सारे क्लासेस मिलेंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल होगा, सारे शीट्स अपडेटेड होंगे, पीडीएफ भी अपडेटेड होंगे, क्लास नोट्स भी अपडेटेड होंगे। एक बार हमारा एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत डाउनलोड करो बकायदा, जाकर उसमें देखो एनरोल होने के पहले, उसके बाद फिर चूज़ करना, ठीक है। तो चलो, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, और आज के सेशन में इतना ही है। जो आज की पीडीएफ है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, और कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके लिए मेरे भाई यूट्यूब पर ज़रूर कमेंट करके बता देना, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।